वेलकम टू इन्फोटेक हब। चलिए आज हम सीखेंगे कि यूएसबी ड्राइव से आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले हमें करना यह है कि कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और अपना कंप्यूटर में जो है वो आप यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव लगाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ से फर्स्ट बूट डिवाइस जो है उसके ऊपर में जो है आप अपना पेन ड्राइव वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो वीडियोस है ये हमने पहले लिए हैं, उसके बाद में आपको वीडियो के थ्रू बताया जा रहा है। इस वीडियो में ये चीज़ है कि आपको सारी टिप्स जो है वीडियो के थ्रू समझाई जा रही है और वॉइस के थ्रू भी समझाया जा रही है। दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड फॉर माय मोबाइल एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग वी विल लर्न व्हाट इज द प्रोसीजर टू इंस्टॉल विंडोज इन योर कंप्यूटर फ्रॉम यूएसबी। तो आज हम यूएसबी से पेन ड्राइव से जो है प्रेस करना सीखे। यहाँ पे इससे पहले अभी अगर आपका ब्रांडेड ऑपरेटिंग ब्रांडेड लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है तो आपको F12 प्रेस करना है कीबोर्ड पे। जैसे आप देख रहे थे अभी हम F12 का बटन प्रेस कर रहे थे, तो F12 प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जो है आपका F12 प्रेस करने से ये होगा कि वो डिस्क यानी वो आपका पाथ पूछेगा कि बूट डिस्क कौन सा रखना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है प्रिपेयरिंग टू टाइम बूट यानी फर्स्ट टाइम बूट करने वाला ड्राइव पूछ रहा है। तो वहाँ पे आपको करना ये है कि वहाँ पे सिलेक्ट करना है यूएसबी स्टोरेज। यूएसबी स्टोरेज पे हमने एंटर प्रेस करना है, एरो से नीचे आना है कीबोर्ड से और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। आफ्टर प्रेसिंग द एंटर फिर से आपको एंटर प्रेस करना है यूएसबी से बूट करने के लिए, और जब दोबारा हम प्रेस करेंगे एंटर तो इस तरीके से बूट होना शुरू हो जाएगा। ये इन्फोटेक हब का एक चैनल है जिस पे आपको छोटी छोटी ट्यूटोरियल दिखाई जाती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। जैसे अभी बूट हो रहा है इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने किया कि यहाँ पे बूट किया, बूट करने से आपका जो कंप्यूटर है वो आपके बूटेबल डिस्क के थ्रू आ गया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जब आपने नेक्स्ट प्रेस किया फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको। जब आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपका जो है कर्सर घूमना शुरू होगा यानी प्रोसेस शुरू होंगी इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको किस ड्राइव पे इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो यूएसबी ड्राइव है उसके अंदर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ प्रोफेशनल है, एक्टिवेटेड है, बगैर एक्टिवेटेड है, विंडोज़ एंटरप्राइजेस सेवन एक्टिवेटेड, नॉन एक्टिवेटेड, विंडोज़ प्रो नॉन एक्टिवेटेड, विंडोज़ प्रो एक्टिवेटेड, विंडोज़ 8.1 एंटरप्राइजेस नॉन एक्टिवेटेड और विंडोज़ 8.1 एंटरप्राइजेस एक्टिवेटेड। आपको सिलेक्ट करना है कोई एक ड्राइव। अगर आपको 8 चाहिए तो 8 सेलेक्ट करेंगे और आपको अगर 7 चाहिए तो आप 7 प्रेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लेते हैं 7, हमने 7 पे क्लिक किया यानी आपने 7 पे एरो को लाना है और नेक्स्ट प्रेस करना है। जब आपने नेक्स्ट प्रेस किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एग्रीमेंट का। इस एग्रीमेंट को चेक मार्क लगाना है। यहाँ से चेक मार्क लगाने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट बटन पे प्रेस करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं जैसा कि विंडोज़ XP और आपको 7 करना है तो आपको अपग्रेड पर क्लिक करना है, और अगर आपको ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल डिलीट करना है तो आपको प्रेस करना है कस्टम। कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे हम। कस्टम इंस्टॉलेशन जब हमने कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ड्राइव दिखाएगा, उसमें से हमको सबसे पहला ड्राइव लेना है जो प्राइमरी ड्राइव है। प्राइमरी ड्राइव पे हमने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट इस ड्राइव को ध्यान रखें कि आपको फॉर्मेट करना है जो भी आपके ड्राइव के अंदर इंस्टॉलेशन है यानी कुछ GB उसके अंदर जगह बाकी है लेकिन कुछ भरा हुआ है तो उसे पहले फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट यानी उसे क्लीन करेंगे। क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो सके। अगर ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ओवरराइट होता है तो आपकी जगह भी वेस्ट होंगी और फाइल्स भी आपकी करप्ट हो सकती है। तो फॉर्मेट करके ओके करेंगे हम।
जब आपने फॉर्मेट करके ओके किया तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक, नेक्स्ट बटन जो है एक्टिवेट हो जाएगा, अगर फॉर्मेट करने तक के वो नेक्स्ट बटन एक्टिवेट नहीं रहेगा तो फिर एक्टिवेट होने पे नेक्स्ट करेंगे। इस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होंगी, आपकी फाइल्स इंस्टॉल होना कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सारी फाइल्स इंस्टॉल हो रही है, 1% हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देख रहा है आपके, पहले क्या होगा कि फाइल कॉपी होंगी, उसके बाद में रेडी टू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के लिए रेडी होंगी, उसके बाद में उसके फीचर्स इंस्टॉल्ड होंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में सारी फाइल्स प्रॉपरली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। जैसे 90 यहाँ पे 30% हो गया है। इसके बाद हम दूसरा वीडियो देखते हैं। दूसरे वीडियो में ये दिखाया गया है कि आपको जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रही है तो कैसा करना है, कि इंस्टॉल हो रहा है आपका कंप्यूटर के अंदर में सारी चीज़ें, ये हो रही है, पहला प्रोसेस पूरा हुआ, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ प्रोसेस स्टार्ट है आपका। अब ये फोर्थ प्रोसेस पूरी तरीके से जब कंप्लीट होगा तो कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट बोलेगा। ये बात ध्यान रखनी है कि जब प्रोसेस पूरा होगा तो आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट के लिए आपको ऑप्शन मांगेगा, कमांड मांगेगा, आपको रिस्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। आपको ये रिस्टार्ट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। रिस्टार्ट करने पे आपका कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका कंप्यूटर फिर से चालू होगा। इस तरीके से जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कुछ फाइल्स रीलोड करेगा आपका कंप्यूटर। ये चल रहा है, देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन, अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टअप अपडेट रजिस्ट्री, रजिस्ट्री को अपडेट करेगा आपका कंप्यूटर। जब रजिस्ट्री अपडेट होना शुरू हो जाएगी, कुछ देर चलेगा आपका कंप्यूटर, उसके बाद में रजिस्ट्री जब क्लीन होगी यानी पूरी तरीके से अपडेट हो गई, फिर हम तीसरा वीडियो देखेंगे जिसके अंदर में रजिस्ट्री के बाद में फिर से और एक बार रिस्टार्ट होगा आपका कंप्यूटर। और रिस्टार्ट होने के बाद इस तरीके से कंप्लीशन पे ऑप्शन आएगा, यानी आपका कंप्यूटर कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है। इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद आपका कंप्यूटर फिर रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट होने के बाद इस तरीके से आपका सेटअप रिस्टार्टिंग मांगेगा। सेटअप रिस्टार्ट होने के बाद में आपका कंप्यूटर फिर से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर हार्डवेयर को चेक करेगा, आपके वीडियोस को चेक करेगा। ये सारी चीज़ें चेक करते हुआ आपका कंप्यूटर जो है आगे बढ़ेगा। और फिर जब आपका कंप्यूटर इस तरह का एक पैनल आएगा, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स, उस डायलॉग बॉक्स में आपको यूज़र नेम डालना है। जो भी आपका यूज़र नेम आप डाल सकते हैं, आपका घर का नाम डालें, बच्चे का नाम, आपके भाई का, जिसका भी नाम डालना है। उसके बाद पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड डालना है आपको, जो भी आपका पासवर्ड रखते हैं आप। और पासवर्ड डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जब इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन नहीं है, तो इसके लिए करना यह है आपको स्किप बटन पर क्लिक करना है। इस बात को ध्यान रखें कि आपको स्किप बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है, फिर ये एक ऑप्शन आएगा, उस पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है पहला ऑप्शन। जब आपने क्लिक किया स्किप पे, तो यहाँ पे रिकमेंडेड पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना इंडिया का जो दिल्ली वगैरह है कैपिटल लेंगे, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इस पर क्लिक करने के बाद में डेट चेक करेंगे, टाइम चेक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जब डेट और टाइम आपने नेक्स्ट किया तो आपका कंप्यूटर फिर से फाइनल उसकी लोडिंग होगी, जिसके अंदर में ये दिखाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन नहीं है। इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में की इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो उसको हम क्रैकर से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे पांचवा वीडियो जिसके अंदर में आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। जब आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका, इस तरीके से ऑप्शन आएगा और पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालना है, आपका कंप्यूटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसके बाद में आपको उसके कंप्यूटर के अंदर में ड्राइवर्स लोड करने हैं। ड्राइवर्स लोड करने के लिए आपको करना ये है, सबसे पहले कि आपको डिवाइस मैनेजर में जाके ड्राइवर्स चेक करने हैं कि आपके कंप्यूटर में ड्राइवर्स है या नहीं है। उसके लिए हम दूसरा वीडियो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे थे हम कि हम माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके मैनेज ऑप्शन पे जाएंगे, और मैनेज ऑप्शन पे जाने के बाद में कुछ प्रोसेस होंगी, और वो प्रोसेस में आपको दिखाएगा कि जो आपका डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से ड्राइवर्स अपडेट है। ड्राइवर्स मीन्स वो होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में साउंड है
लेकिन साउंड बराबर नहीं है, साउंड नहीं चल रहा है, या पीसीआई स्लॉट में कुछ नहीं है, या फिर आपका वीजीए ड्राइवर नहीं है, यानी डिस्प्ले आ रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं दिख रहा है, साउंड है लेकिन प्रॉपर नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं ले रहा है यानी इंटरनेट नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि ये ड्राइवर चेक करने हैं, और ड्राइवर चेक करने के बाद में आपको सारे ड्राइवर्स आपके कंप्यूटर में लोड करने हैं। तो लोड करने के लिए जैसे आप 6 नंबर का वीडियो देख रहे थे कि आपने क्या करना है, कि 6 नंबर के वीडियो पे आपने देखा कि इस टाइप से आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, सब ड्राइवर आप इंस्टॉल करेंगे, प्रॉपरली इंस्टॉल करें, इस तरीके से आपका कंप्यूटर इंस्टॉलेशन मांगेगा, आपको नेक्स्ट करते जाना है, सारे ड्राइवर जो आपके कंप्यूटर में है तो वो ले, नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर ले, इस तरीके से आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के बाद आपका कंप्यूटर प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्यून नहीं है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स इसको याद रखें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्यून नहीं है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करके चेंज सेटिंग पे जाना है, चेंज सेटिंग पे जाने के बाद में यहाँ पे इसको नेवर चेक अपडेट पे क्लिक करेंगे, सारे चेक मार्क निकाल लेंगे और चेक मार्क निकाल के ओके प्रेस करेंगे। जब आपने ओके प्रेस किया इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली चलेगा, अगर अपडेट ऑन रहा तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपने कंप्यूटर में आपके पास जो सीडी आता है कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं ड्राइवर्स, तो ड्राइवर्स में चिपसेट के ड्राइवर डालना बहुत ज़रूरी है। हमने साउंड के ड्राइवर्स डाल दिया, वीडियो के ड्राइवर डाल दिया, इथरनेट के ड्राइवर लोड कर दिया, लेकिन चिपसेट के ड्राइवर लोड नहीं किया, तो उसमें होता यह है कि आपका कंप्यूटर के जो फाइल्स है, ड्राइवर्स की जो फाइल्स है, वो कभी मिसमैच होने की वजह से आपका कंप्यूटर में एरर आती है, जिससे आपका स्क्रीन ब्लू कलर का दिखाई देने लगेगा, हार्डवेयर डिटेक्ट का एक मैसेज आएगा, या आपका कोई भी वायरस टाइप का मैसेज आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने चिपसेट के ड्राइवर भी आपके कंप्यूटर में लोड करें, सारे चिपसेट के ड्राइवर लोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। ये इन्फोटेक हब का एक चैनल है जिसपे आपको काफ़ी अच्छी टिप्स मिलती हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब, वंस अगेन थैंक यू।